हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई हो कि आप लोग बढ़िया होंगे। और यहाँ पर से हम बात करने वाले बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, जो कि वहाँ के जो महाराज जी हैं, उनके जीवन में गाथा के बारे में हम आप लोग को बताने वाले। तो ग्राम गढ़ा पोस्ट गंज तहसील रामनगर और यहाँ पर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। और वहाँ पर से खास बात होने वाली कुछ ऐसी कि आज हम उनका जीवन परिचय देने वाले हैं कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था और वो क्या करते थे। तो चलो इसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी यहाँ पर से दे देते, तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर से उनके परिवार के बारे में। तो उनके परिवार में 5 लोग यहाँ पर से रहने वाले हैं। और यहाँ से उनसे पहले कौन थे? तो उनके दादाजी, उनके पूज्य श्री दादाजी श्री सेतु लाल गर्ग, जो उनके दादाजी जिनकी पिक आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उनके दादाजी हैं। और इनके दादाजी के मार्ग पर ही श्री धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग जी चले हैं, जो कि आज इतने विख्यात फेमस है। कितना सच है वो मैं आप लोग को बाद में बताता हूँ। चलिए बात करते हैं उनके फैमिली के। तो सबसे पहले उनके फैमिली में करते हैं उनके पिताश्री की बात। तो उनके पिताश्री का नाम श्री राम कृपाल गर्ग है। उनकी माता श्री का नाम श्रीमती सरोज गर्ग है। उनके भाई का मैं नाम भी आप लोग को बता देता हूँ, श्री शालिग्राम गर्ग, जो उनके भाई हैं उनके बारे में और उनका अब जन्म के बारे में बता दें। 10 जुलाई 1996 को उनका जन्म यहाँ हुआ था। और ये फोटो काफ़ी करीबन पुरानी है, जो कि आप लोगों ने शायद ही देखी होगी, इसलिए मैंने इस फोटो को निकाल कर दिखाया है। चलिए अब बात करते आगे कुछ तथ्य के बाद। तो ये रहा जो आप लोगों को देखा, तो धाम जो हमारे बागेश्वर धाम सरकार है, वहाँ पर जो हनुमान जी का मंदिर है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो आपकी भाई काफ़ी सारे श्रद्धालुओं की वहाँ पर श्रद्धा रहती है, वो लोग यहाँ पर से जाते हैं। तो आपकी अगर इच्छा है तो आप भी वहाँ जाइए, पर वहाँ पर से उल्टे सीधे कमेंट नहीं करना है, क्योंकि किसी के बारे में उल्टे सीधे कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप लोगों को मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वहाँ पर से कुछ खासी तो ये रहे उनके, जो आप लोग देख सकते हो श्री बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी, उनके बगल में जो है उनके छोटे भैया जिनका नाम श्री शालिग्राम गर्ग है। तो आप लोग से जो जन्म से ब्राह्मण है और उनका यहाँ पर से वो पहले जो काफ़ी सालों पहले उनका जो परिवार था वो काफ़ी गरीब था, ब्राह्मण से है। और यहाँ पर से जो भी उनका खर्च खर्च बोल सकते कुछ ही बोल सकते, तो वो उनका क्या बोलते हैं पूजा पाठ से उनका खर्च चलता था। ऊपर वाले की कृपा है कि उन पर, और जो क्या बोलते हैं बागेश्वर धाम सरकार की उन पर कृपा हुई। और उनके घर का भी आप लोग अगर चाहोगे तो उनके बारे में और भी जानकारी मैं आप लोग को दे देता हूं। तो आप लोग अगर कहीं से भी अगर आना चाहते तो आप लोग जाइए, अपनी भगवान में श्रद्धा रखिए और अपनी काम मनोरथ कीजिए। अगर आप लोग को इस वीडियो में अगर आप लोग को अच्छा लगा, ये वीडियो आप लोग की कोई जानकारी का काम का है, तो कमेंट जरूर कीजिए। और क्या करना है, एक प्यारा सा लाइक कर देना है। अगर आप लोग कोई और जानकारी चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिसके बारे में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग की जानकारी पूरी कर दूं। चलिए दोस्तों, आज तक की वीडियो बस ना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।